मेरे पास काफी सारे पुराने मॉनिटर्स पड़े हुए थे जो कि किसी काम के नहीं थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इनका क्या यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने इन पुराने मॉनिटर्स को एक नए स्मार्ट मॉनिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप मूवीज वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए अब अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको सिर्फ MI की एक फायर स्टिक चाहिए, जिसकी मदद से आप लोग अपने डेस्कटॉप को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर एक स्मार्ट डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने डेस्कटॉप पे आराम से मूवीज वगैरह सब कुछ देख पाएंगे। और इस प्रोडक्ट का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे लगाकर दिखाता हूं। सो गाइस, इसके सामने आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप इसको अपने डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे लगाकर दिखाता हूं। और गाइस, इसके साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है, और आपको एक ये भी अलग से मंगाना पड़ सकता है कि अगर आपकी किसी चीज में लगाने की जगह कम है, तो इससे आप आराम से इसे मोड़ कर इसमें लगा सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको इसे अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सो गाइस, तो अब इसको हम अपने डेस्कटॉप में लगाने के लिए पहले इसका जो आगे का हिस्सा है, इसे अपने एक्सटेंडर में लगा देते हैं एक्सटेंड करने के लिए इससे। और गाइस, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, इसमें चार्जिंग देने के लिए एक पोर्ट बना हुआ है। तो इसमें अब हम इसकी जो साथ में केबल आती है उसको लगा के इसमें चार्जिंग दे देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइस, इसको यहां पर लगाने के बाद मैं इसको एक पावर बैंक में अटैच कर देता हूं। तो देख सकते हैं आप गाइस, इसके आगे एक लाइट जल जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं, इसके आगे लाइट जल चुकी है पावर बैंक में लगाने के बाद। तो चलिए अब आपको हम इसे डेस्कटॉप में लगाकर दिखाते हैं। तो आपको सिंपली इसे अपने डेस्कटॉप के HDMI पोर्ट में लगा देना है, जो भी आपके डेस्कटॉप का HDMI पोर्ट है उसमें आपको लगा देना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप का HDMI पोर्ट है, उसमें मैं इसको लगा देता हूँ। देख सकते हैं, इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पे डेस्कटॉप के HDMI पोर्ट में। उसके बाद बस आपको और कुछ नहीं करना है, इसके साथ में आपको रिमोट मिलना है, उससे आप इसे चला सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपना डेस्कटॉप ऑन करके दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करती है। सो गाइस, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हमारा डेस्कटॉप ऑन हो चुका है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामने सब इसमें एप्स वगैरह आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, और मैंने इसमें सब अपने अकाउंट्स लॉगिन कर रखे हैं। तो अब मैं आपको इसके रिमोट से चलाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, इससे आराम से आप चला सकते हैं, सब हर टाइप का ऐप आप इससे यूज कर सकते हैं गाइस। और गाइस, इसमें आप सारी वीडियोस को 4K क्वालिटी में भी आराम से देख सकते हैं, बस वो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर है कितनी हाई क्वालिटी की है। तो अब मैं आपको यहाँ पे हॉटस्टार वगैरह ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने हॉटस्टार खोल लिया है, सो गाइस इसकी मदद से आप अपने किसी भी कमरे में आराम से एक डेस्कटॉप को एक टीवी की तरह यूज कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपकी फेवरेट सीरीज या फिर मूवी है उसे आराम से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसपे। और गाइस, इसकी मदद से आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं इसे बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसके रिमोट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का एक अलग से ऑप्शन मिल जाता है, और आपको इसमें गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, इससे आप असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दबाऊंगा, यहाँ पे असिस्टेंट चालू हो जाएगा। तो मैं बैक कर देता हूँ। तो गाइस, इससे आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी कास्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको इसकी सेटिंग में जाना है। और गाइस, आपको इसकी अब सेटिंग में चले जाना है। और गाइस, सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस दिख रहा होगा, उसमें आपको चले जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपको कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन ढूंढना है। देख सकते हैं आप, यहां पर लिख के आ चुका है क्रोमा कास्ट बिल्ट इन, इसमें आपको जाना है, और आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि ऑप्शन आपका इनेबल है या नहीं है। तो जैसे कि इसमें इनेबल है हमारे ऑप्शन, ऑटोमेटिकली इनेबल ही आता है, लेकिन आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं जाकर। तो चलिए मैं इसे बैक कर देता हूँ। और इसके बाद आप अपने मोबाइल में गूगल होम ऐप डाउनलोड करने के बाद इस पे आप अपनी स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे एक वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। IND अनबॉक्सर, और गाइस जब आप इस MI टीवी स्टिक को मंगाकर इंस्टॉल कर लें, उसके बाद हमारी वीडियो को खोल के जल्दी से लाइक कर दीजिएगा गाइस, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।